हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर CSIR नेट जून 2024 में जो अभी आपका पेपर हुआ था, तो पेपर एनालिसिस भी हमने किया है, उसका वीडियो मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है। हमारे पेपर में जो क्वेश्चन पैटर्न्स थे, क्वेश्चन किस टाइप के बने थे, किस टाइप के नहीं, दोनों शिफ्ट में जो है पेपर कौन सी शिफ्ट का हार्ड था, कौन सी का मॉडरेट था, वो सारी चीजों पर हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज पता लगी है पिछले वीडियो से कि दोनों शिफ्ट में जो पेपर था उनका जो लेवल था दोनों का सेम था। दोनों ही लेवल के जो पेपर थे शिफ्ट के, सॉरी, उनका लेवल हार्ड था, मतलब टफ हम बोल सकते हैं। जबकि हर साल क्या होता था, एक शिफ्ट का पेपर मॉडरेट आता था और एक शिफ्ट का पेपर हार्ड आता था, लेकिन इस बार नहीं हुआ है। इस बार दोनों शिफ्ट में क्या है, इक्वलिटी रखी गई है। दोनों शिफ्ट को अगर हम देखा जाए तो जो सी पार्ट था दोनों का ही थोड़ा टफ टाइप का था। तो इसी बेस के ऊपर मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो लेके आई हूँ कि कितनी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। अब यहाँ पर क्या है, रिजल्ट जो है हमारा CSIR नेट जो है, जब से हमारा जो पेपर दो शिफ्ट में होने लगा है, ये लोग अपना रिजल्ट जो है वो परसेंटाइल बेस पर डिक्लेयर करते हैं। अब परसेंटाइल में क्या होता है, इसमें क्या है, एक शिफ्ट में अगर पेपर हार्ड होता है और एक में अगर मॉडरेट होता है, तो दोनों शिफ्टिंग की क्या है देखा जाता है कि कौन सी शिफ्ट में पेपर मॉडरेट था, कौन सी में हार्ड था, उसके बेस पर ये लोग क्या परसेंटाइल को डिक्लेयर करते हैं। तो इस टाइप से हमारा रिजल्ट आता है। तो उसी बेस के ऊपर मैं भी आपके लिए परसेंटाइल बेस पर और किस बच्चे ने कितने मार्क्स ऑप्ट किए उसके बेस के ऊपर आपके लिए मैं रिजल्ट लिख के आई हूँ। एक्सपेक्टेड है ये, ऐसे नहीं है आप मुझसे झगड़ने लग जाओ कि मैम आपने इतना बताया था और हमारे इतना ही आया, लेकिन नेट जो CSIR नेट है इन्होंने क्या है कम दिया है, तो आप झगड़ने मत लग जाना। हमने भी प्रिडिक्ट ही किया है कि इतनी इतनी जा सकती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं दोनों शिफ्ट में मार्क्स के बेस के ऊपर कितनी कट ऑफ जा सकती है, कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आएंगे, तो वो सेफ साइड में है। ये जो मार्क्स है हम ले रहे हैं, वैसे कितने नंबर आ सकते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीन कैटेगरी बना लेते हैं। एक GRF होगा, और आप लोगों को ये चीज भी पता होगी इस बार जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपका तीन टाइप से होगा, तीन कैटेगरीज में होगा। एक होगा GRF, एक होगा LS और एक होगा आपका PhD। ये चीज का भी आपको ध्यान होगा, हमारा तीन कैटेगरी में होगा। अब हमारे यहाँ पर हम ले लेते हैं कैटेगरी जर्नल, EWS, OBC, SC, ST एंड PWD। ये सारी हमारी कैटेगरीज होती है। अब हम देखते हैं जनरल कैटेगरी को कितने मार्क्स आने चाहिए जिससे कि उनका सिलेक्शन हो जाए GRF में। मैं सबका एक एक करके लिखती जा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा GRF क्लियर होने के लिए 110 से 115 के बीच में नंबर आपके आने चाहिए। ये वैरी भी कर सकते हैं, एक दो नंबर ऊपर नीचे। LS के लिए आपको चाहिए 100 टू 105 और ओनली PhD में एंट्रेंस के लिए आपको चाहिए 95 टू 98 के मार्क्स। अब ये मार्क्स जो है, आप ये नहीं कि बिल्कुल इतने ही अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये एक दो नंबर ऊपर नीचे वैरी कर सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब EWS कैटेगरी में हम देखते हैं, तो EWS कैटेगरी में GRF अगर आपको डिक्लेयर करना है, अपना क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको 104 से 106 तक के मार्क्स चाहिए। LS के लिए आपको 95 टू 98 और ओनली PhD के लिए 88 टू 93 मार्क्स आपको चाहिए। अब OBC कैटेगरी में हम देखते हैं, इसी के हम देखते हैं मार्क्स 102 से 105 के बीच में वेरी करेंगे आपके मार्क्स, तो आपका GRF जो है क्लियर होगा और LS के लिए 92-95 और ओनली PhD के लिए 88-92 मार्क्स आपके होने चाहिए। इसी तरह से SC कैटेगरी जो है उसमें अगर हम देखना चाहें तो 90-94 मार्क्स आपको अपने GRF क्लियर करने के लिए चाहिए। फिर है 83-86 मार्क्स आपके LS के लिए चाहिए और 75-80 मार्क्स आपको चाहिए ओनली PhD के लिए। फिर है PWD कैटेगरी जो आती है हमारी, इसमें 67-70 मार्क्स GRF, 60-65 मार्क्स आपके चाहिए LS के लिए और ओनली PhD में 56-60 मार्क्स आपके होने चाहिए। ये था हमारे मार्क्स के बेस के ऊपर कट ऑफ। आप लोगों ने अपना रोल स्कोर जो है वो चेक कर लिया होगा कि हमारा 200 में से कितना कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। अब आपको
CSIR जो है अब बिल्कुल भी आपको मौका नहीं देगा आपको आपके रो स्कोर चेक करने का, क्योंकि उन्होंने अपनी रेस्पॉन्स शीट भी आपको दे दी, आप लोगों ने आई होप डाउनलोड करके रख ली होगी, आंसर की भी उन्होंने प्रोवाइड करवाई थी, तो आप रो स्कोर अपना पता कर सकते हो या कर लिया होगा होपफुली। अगर नहीं किया तो आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज कि आपका रो स्कोर कितना था, क्योंकि CSIR के किसी साइट के ऊपर ये चीज आपको नहीं पता लगेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जो ये ओनली जो PhD वाले जो मार्क्स है बहुत कम है, तो इसकी जो वैलिडेशन है वो कुछ इयर्स की ही है, उसके अंदर अंदर आपको क्या है PhD में एंट्रेंस लेना है। JRF में क्या होता है आपका LS प्लस JRF दोनों क्लियर होते हैं और आपको विथ फेलोशिप, LS में ओनली LS ही होता है आपको, LS प्लस हमारा PhD होता है और PhD में ओनली हमारा PhD ही आता है जो भी कुछ इयर्स के लिए ही वैलिड रहता है। अब हम देखते हैं परसेंटाइल बेस के ऊपर हमारी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। मे बी हम तीन कैटेगरीज बना लेते हैं JRF, LS एंड ऑनली PhD। यहाँ हमारी कैटेगरीज लिख ले EWS, OBC, SC, ST एंड PWD, ये सारी हमारी कैटेगरीज है। अब हमें कितने क्या क्या परसेंटाइल हमारी आएगी वो सब चीजें हम इसके अंदर लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी है UR, उसमें JRF के लिए हमारी कितनी परसेंटाइल है, LS के लिए कितनी है एंड PhD के लिए कितनी है। अगर हम यहाँ पर देखें JRF के लिए 98.5 से 99.1 तक वेरी कर सकती है ये हमारी कट ऑफ, ठीक है। फिर उसके बाद है LS के लिए 97.1 टू 97.4, ये है हमारे LS की परसेंटाइल एंड PhD के लिए जो परसेंटाइल है हमारी 95.1 टू 95.8 तक रहेगी। अब ये क्या है वेरी भी कर सकती है, ऐसे नहीं एग्जैक्ट जो मैंने बताई इतनी ही रहेगी, ये वेरी कर सकती है आपकी एक दो पॉइंट ऊपर नीचे, ठीक है। EWS की इस तरह से हम देखें तो इसकी JRF के लिए है EWS की 96.7 टू 97.3, ठीक है। LS के लिए है 93.8 टू 94.7, PhD के लिए है 91.8 टू 93.5, OBC में अगर हम देखें 96.5 से 97.2 के बीच में वैरी करेगी और LS के लिए है 93.4 टू 94.8, PhD के लिए है 91.5 टू 92.9। इसी तरह से ST के अगर हम देखें तो इसमें 90.4 टू 92.3, 97.8 टू 88.3 और PhD के लिए रह जाएगी हमारी 95.9 टू 96.3, ठीक है। इस तरह से ST की अगर हम देखें तो ST में है 84.4 टू 86.1 और LS का हो जाएगा यहाँ पर 79.6 टू 81.3, PhD के लिए है 77.8 टू 79.3, ये हमारी परसेंटाइल रहेगी SC कैटेगरी के लिए। और PWD कैटेगरी में जो हमारी परसेंटाइल रहेगी वो है 64.3 टू 76.7, 72.6 हमारी LS की है और PhD के लिए रहेगी हमारी 62.5 टू 74.8, ये सारी परसेंटाइल आपकी रहेगी आपका अगर रिजल्ट आएगा तो। आप इसको मैच कर सकते हैं, इन जो दोनों स्लाइड्स मैंने बनाई है इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसी के बीच में आपकी जो परसेंटाइल है वो वैरी करेगी और एग्जैक्ट यही रहेगी ऐसा नहीं है, वैरी कर सकती है। लास्ट ईयर की अगर आपको मैं बताऊं परसेंटाइल कितनी क्या गई थी, सेम इसी टाइप से जा रही है, लेकिन इस बार क्या आपका रिजल्ट जो है तीन कैटेगरीज में आ रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा ये चीजें क्या वैरी कर सकती है। हम लोगों के लिए भी नया है ये सब चीजें और आप लोगों के लिए भी नई है, क्योंकि हर साल जो है कैटेगरी दो ही रहती थी, इस बार लेकिन तीन कैटेगरी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लास्ट ईयर के हमारे 2023 का जो रिजल्ट आया था उसमें जनरल कैटेगरी का अगर मैं आपको बताऊं JRF वाली जो परसेंटाइल थी हमने क्या है प्रिडिक्ट की थी, तो प्रिडिक्ट की थी हमने आपका, आप अगर देखें 3-5 से 6 महीने पहले अपना रिजल्ट आया तब मैंने भी प्रिडिक्ट की भी आपको परसेंटाइल बताई थी, उसके अंदर ही ये सब चीजें वेरी की थी। तो इस बार हमारे अगर परसेंटाइल रहेगी तो वही रहेगी, उसी टाइप से आती है। अगर मैं ये आपको मैंने बताया 2023 का, इसी तरह से अगर मैं 2022 का बताऊं आपको जनरल कैटेगरी का ही लेके अपन चल रहे हैं, 99.21 परसेंटाइल गई थी, तो आप देख सकते हैं चीजें वही रहेगी, उसी टाइप की आपकी परसेंटाइल आएगी, ठीक है। तो ये देखो इसी
रेंज के बीच में हमारी परसेंटाइल जो है वो वैरी करेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको सारी जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो अच्छे से आपकी क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप भी अपना सजेशन हमें दे सकते हैं कि मैम इतना नहीं, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, अब आपके कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या परसेंटाइल रहने वाली है, क्या चांस है आपका क्लियर होने का, एग्जाम का क्रैक करने का, तो वो सब चीजें भी आप इन स्लाइड से पता कर सकते हैं। आप अपना मैच करना अपना स्कोर कि आपका कितना क्या आ रहा है, तो उसके बाद परसेंटाइल जो है प्रॉपर हम आपका जब स्कोर कार्ड आएगा उसके अंदर वापस से हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे कि इसकी क्या परसेंटाइल आ रही है। आई होप आपको मेरी मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो इस रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपका क्या सजेशन है, आप किस टाइप का वीडियो चाहते हैं, उसका सजेशन भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।